दादी का देहांत हो गया है, तो अभी जो इंसान जाता है वो इंसान वापस नहीं आता है। दादी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके आगे चले गए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से, और मौसम की बात करें तो मौसम लगभग एकदम साफ है और आज काफी अच्छी धूप खिली हुई है। और यहाँ पे नंदीश और नंदिनी लगे हुए हैं अपने सुबह सुबह के कामों में, यानी कि खेल कूद में। और किचन की बात करें तो अभी नंदिश के मम्मी की लगभग पूरी तैयारी हो गई है नाश्ता बनाने की, तो थोड़ी देर में हमारा नाश्ता भी बनके तैयार हो जाएगा। और इसको सुबह सुबह भी नाचना है, इसको नाचने से ही फुर्सत नहीं रहती है। और अभी हमारा नाश्ता भी बन गया है, तो आज हमारे नाश्ते में बनी है पत्ता गोभी की सब्जी जो कि कल रात की है, और साथ में बन रही है रोटी। और मैं और नंदिश और नंदिनी बैठ गए नाश्ता करने के लिए, पर इसको खाने से कोई मतलब नहीं होता है, ये खेलती रहती है खाने में भी। और अभी नाश्ता करने के बाद मैं जा रही हूँ सारे लोगों के यहाँ। और जैसी मैं यहाँ आई वैसी यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मेरे बड़ा बैठे हुए हैं, बाकी सभी लोग यहाँ से जा रखे हैं। और यहाँ पे है सौर्य जो कि बेड के नीचे छुप रहा है मुझे देख के। तो अभी मैं यहाँ आई हूँ सामान लेने के लिए जो कि मैंने नब्बू से मंगाया था। और अभी मैं जा रही हूँ, परसों मैं जहाँ गई थी, आज मेरी दादी का देहांत हो गया है तो अभी सभी लोग वहाँ जा रहे हैं, तो मम्मी नहीं है तो मम्मी के बदले मुझे जाना है। तो अभी थोड़ा मैं चलती हूँ बच्चों को अंदर रख के, क्योंकि बच्चे डरते हैं, तो इसलिए पहले बच्चों को मैंने अंदर रख दिया है। अब मैं जा रही हूँ नीचे ताऊजी लोगों के यहाँ। और अभी जो सनातन धर्म में क्रियाक्रम होते हैं वो होंगे दादी के, तो सभी लोग जा चुके हैं अंतिम विदाई के लिए। तो अब मैं आ गई हूँ घर, क्योंकि यहाँ कृष्ण के बच्चे हैं, उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। और बच्चे मैंने अंदर रखे थे तो तब से बच्चे अंदर ही हैं, क्योंकि कृष्णा भी डरती है और कृष्णा के बच्चे भी, तो इसलिए मैंने उनको पहले ही अंदर रख दिया था। और अब मैं पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को बाहर लेके आऊंगी। और अभी मेरे बच्चे भी आ गए हैं बाहर। और नंदिश ने कल ठीक बोला था कि कोका कोला नंदिश से ख़त्म नहीं होगी, कल वाली लाइफ ही कोका कोला नंदिश अभी पी रहा है। और कुकी तो अपने ओटपटांग कामों में लगी रहती है, क्योंकि कुकी को चैन नहीं है। आज भी जो सड़क के ऊपर और सड़क के नीचे पेड़ हैं उनकी कटान जारी है, तो अभी लगभग जितने भी पेड़ जो कि आने वाले टाइम में खतरा हो सकते हैं उनकी कटान की जा रही है। और यहाँ पे भी जूस पे लड़ाई हो रही है, दोनों भाई बहन एक जूस पे लड़ रहे हैं। ये बहुत धीट है, इसने अपना पी लिया, अब उसका छिना रहा है। पेड़ को काटना इतना भी आसान नहीं होता है जितना कि दिखता है, मुझे वहाँ देख के ही अजीब सा लग रहा है, पर जो उस पेड़ में चढ़ रखा है उस बेचारे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। और अभी पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है वो कट गया है, वो नीचे तक पहुँचाना है उन्हें, फिर उसके बाद वो पेड़ सारा काटना है उसके बाद। और अभी पेड़ का एक छोटा सा हिस्सा नीचे तक पहुंच गया है, और नीचे भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि ऐसे में देखना पड़ता है कि कहीं कोई नीचे इंसान ना हो या किसी के लगे नहीं, पूरी सावधानी के साथ हर एक चीज़ करनी पड़ती है। तो वही वो लोग सब कर रहे हैं 3-4 दिन से। और ये मेरी तरह दिखती है, और मोस्टली इसकी बहुत सारी आदतें हैं जो मेरे पे गई हुई है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे खानी पसंद है और इसे भी खानी पसंद है। ये वेफर्स मैं दिल्ली से लेके आई थी अपने लिए, पर मेरी कुकी को ये सारे वेफर्स खाने हैं, तो अभी वेफर्स का पैकेट लेके भाग रही है ताकि इसको देना ना पड़े। पर ये दोनों एक ही चीज़ में लड़ते हैं, इन दोनों को क्या ही बोलना। और ये वाले वेफर्स थे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले जो कि मेरे फेवरेट हैं, अब इसे भी खाने हैं। और ये तो खैर बहुत पहले से खाता है। अभी लगभग हमारे यहाँ से सभी लोगों ने जो स्नान वगैरह होते हैं जो भी होता है सब कुछ निपट गया है, और अभी मुझे बनाना है पंडित जी का खाना, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि देहांतों के हाथ से बनता है। तो अभी वहाँ सब विवाहित देहांते हैं, मैं अविवाहित हूँ तो ये काम मेरे को सौंपा गया है। तो अभी पहले मैं पंडित जी के लिए पानी गर्म करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। जो हमारे कुल पुरोहित हैं वो मेरे मौसा जी हैं वैसे, तो इसीलिए मौसा जी का खाना मुझे बनाना है। और अभी मैंने कुकी को भी सुला दिया है, और कुकी आराम से धूप पे सो रखी है। और यहाँ पे नंदी को क्या चाहिए इसको देखना है अभी फ़ोन, तो जब तक मैं खाना बनाती हूँ तब तक थोड़ी देर इसके पास फ़ोन दे देती हूँ। अभी मैंने आटा गूंद के रख दिया है, और साथ ही दाल बना दी है और चावल भी बना दी है, और उस वाली कढ़ाई पे सब्जी भी बना दी है। तो अब इंतज़ार करते हैं मौसा जी के आने का। और हर किसी के यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो हमारे यहाँ ये होता है कि जब किसी की डेथ होती है तो उस दिन शाम को खाना बनता है, फिर रात को खाना नहीं बनता है। रात को भूखा
सोना पड़ता है। तो हमारे यहाँ कृष्ण लोग हैं, ये लोग तो फिलहाल अपने लिए खाना बनाएंगे, पर मैं अभी यहीं हूँ तो मुझे यही नियम करने पड़ेंगे। और अभी खाना वाना मेरा सब कुछ बन गया है, तो इंतजार करते हैं मौसा जी के आने का। और अभी शौर्य भी आ गया है, और शौर्य के बाल मुझे बहुत दुख हो रहा है। किस बात का? टकला हो गया। ओहो, तो शौर्य कल अपने बाल बहुत संवार रहा था, तो आज शौर्य ऐसा लग रहा है। और दादी मेरी लंबे समय से बीमार थी, मतलब कि दादी के इतने बड़े बड़े हम लोग नाती हैं, और दादी के मरने का दुख तो है क्योंकि दादी काफी समय से बीमार थी। और पर खुशी भी है कि चलो यार ठीक है, किसी को भोगने से बढ़िया है कि अपने जो भी होते हैं नाती नतेड़े उनके आगे चले गए तो बढ़िया है। और जो इंसान जाता है वो इंसान वापिस नहीं आते हैं, पर क्या करना, ये विधि का विधान है। जो आया है सबको एक दिन जाना है, किसी को जल्दी जाना है, किसी को बाद में जाना है। तो दादी की उम्र भी लगभग काफ़ी हो गई थी, और हमारी भगवान से यही विनती है कि भगवान दादी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और मेरी दादी को आत्मा को शांति मिले। मौसा जी को खिलाने के बाद अभी हमारा नंबर भी आ गया है, तो आज हमने खाने में बनाई आलू गोभी की सब्जी, मेरी फेवरेट दाल अरहर, और चावल और रोटी। तो अभी हम खाना खाते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है आज। अभी यहाँ पे शौर्य और नंदू की हो रही है लड़ाई, शौर्य लगा हुआ है नंदू को चिढ़ाने पे कि नंदू बोलते हैं मौसी मौसी मौसी। तो इस बात पे मैं इसे बोल रही हूँ कि इसे एहसास मौसी का तब होता जब इसकी अपनी मौसी होती, तो इसीलिए टिंगू को पता नहीं है कि मौसी क्या होती है। और आज कुकी कहीं नहीं गई है, इसलिए कुकी को आज लगी हुई है कि मुझे ले जाओ घुमाने ले जाओ। तो अभी थोड़ी देर पहले कुकी को घुमाने ले जाते हैं, उसके बाद आएंगे हम घर। और अभी कुकी जो नंदिस का ट्रक है उसे चलाने पे लग रखी है। और ऊपर जो भैलो पेड़ काट रहे थे वो लगे हुए हैं अभी भी उस पेड़ को काटने में, वो पेड़ काफ़ी बड़ा था तो अभी आधा लगभग उन्होंने पेड़ काट दिया है अभी उसको काटने में। आज का दिन तो पूरा लग ही गया, शायद कल भी आधा दिन लग सकता है। और अभी हम ले जा रहे हैं कुकी को घुमाने के लिए, आनंदिस लगा हुआ है यहाँ अपने दोस्त के साथ खेलने पे। और अभी कुकी आ गई है अपनी नानी के यहाँ, तो अभी इसकी सभी नानी है यहाँ, तो ये अपने नाना को देख के डर रही है। और अभी तक मैं जा रखी थी नीचे दादी लोगों के यहाँ, और अभी मैं आ गई हूँ वहाँ से। मुझे लगा मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, पर मेरी बहन इसे मेरे पास छोड़ के चली गई है, और ये इतनी भयंकर है। और जब से ये हुई है तब से हम कुछ देखे ना देखे पर ये जरूर देखते हैं क्योंकि ये इसका फेवरेट है, और जब भी इसको शांत रखो तो ये देखना ही पड़ता है। और ये होता है नाचने का शौकीन बच्चा। और अभी मैं थोड़ी देर फिर से नीचे गई थी और फिर आ गई हूँ घर। और आज हमारे यहाँ खाना नहीं खाते हैं, पर कृष्णा है वो यहाँ से विदा हो चुकी है, तो ऐसा मानते हैं कि ध्यान तो वो अपनी अब भूखा नहीं रखते हैं, तो इसीलिए इनके लिए अभी बन रहा है खाना। खाना पीना खिलाने के बाद अभी मैंने इन्हें ला दिया है बिस्तर पे, क्योंकि मम्मी ने मुझे बोला था कि बच्चों को ज़्यादा देर किचन पे मत रखना और बच्चों को ज़्यादा देर बाहर भी मत रखना। तो अभी मैंने इनको ला दिया है बिस्तर के ऊपर, और इसको देखनी है टीवी, इसको कहीं चैन नहीं है ये। हाँ माँ, अब ये इसकी शिकायत मुझसे कर रही है कि ये टीवी नहीं खोल रही क्योंकि सामने इसका फेवरेट गाना चल रहा है, और कृष्ण ने यहाँ से पोस्ट कर रखा है तो इसीलिए इसे ऐसा हो रहा है कि खोलो। तो अभी इनको थोड़ी देर टीवी देखने के बाद फिर सुलाएंगे हम। और थोड़ा देर कुकी को फोन दिखाने के बाद अभी कुकी को देखना है, क्या देखेगी कुकी? तो अभी इसको इसमें देखना है तोता, क्योंकि इसको वही बहुत पसंद है, मिट्ठू मिट्ठू वाला जो कार्टून आता है तो वो इसको बहुत पसंद है। और उससे पहले कुकी की मम्मी ने लगा दिया है कुकी का फेवरेट कार्टून। और अभी थोड़ा देर टीवी देखने के बाद बच्चे भी सो गए हैं और नंदिस को भी नींद आ रही है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भगना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।